क्या आपको पता है कि आज हम जिसे कश्मीर कहते हैं लाखों साल पहले सिर्फ एक विशाल सरोवर था। लगभग 12,000 साल पहले इस सरोवर का पानी सूखने लगा और जमीन उपजाऊ एवं बसने योग्य बन गई। आज श्रीनगर के मशहूर दल सरोवर को देखने आते हजारों पर्यटकों को शायद ही पता हो कि इस क्षेत्र में 5,000 साल से मानव बसावट है। कश्मीर घाटी में कम से कम 15 नवपाषाण युग के स्थल बिखरे पड़े हैं। करीबन 2.5 मिलियन साल पहले कश्मीर 5,000 स्क्वायर किलोमीटर का एक सरोवर था। 5 मिलियन साल पहले पीर पंजाल पर्वतमाला के उत्थान से गहरे स्थलाकृतिक परिवर्तन हुए। प्लेट विवर्तन से पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में एक दरार पड़ी जिससे झेलम नदी उत्पन्न हुई जो अनंतनाग से शुरू होती है। पर्वतों को चीरती हुई इस नदी ने हिमालय के जल को निर्गम का मार्ग दिया जिसके कारण कश्मीर का सरोवर सूखता गया और उपजाऊ जमीन उभरती गई। 5,000 साल पहले इसी धरती पर हमारे पूर्वज बसने लगे। श्रीनगर के नजदीक बुर्ज होम इलाके का नवपाषाण युग स्थल कई वजहों से सबसे ज्यादा प्रख्यात है। पुरातत्वज्ञों का मानना है कि बुर्ज होम के प्राचीन वासियों ने इन गड्ढों में सर्दियों में घर बनाए होंगे। पुरातत्वज्ञों के लिए एक और अचरज की बात यह है कि बुर्ज होम में पाए गए शवाधान गर्त पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए गर्त से अलग है। उन्होंने यह इंसानों को जानवरों के साथ दफनाया पाया, पालतू जानवर भी और जंगली भी। पुरातत्वज्ञ मानते हैं कि इन जानवरों को मार कर साथ दफनाया गया होगा ताकि उनका मांस गुजरे हुए आत्मा के काम आए। ये शवाधान गर्त ज्यादातर निवास स्थल में ही पाए गए हैं। बुर्ज होम लगातार 2000 सालों से बसा हुआ रहा है और मनुष्य की उन्नति के प्रमाण यहाँ के वास्तुकला और रहन सहन में नजर आते हैं। कश्मीर घाटी के नवपाषाण युग समुदायों की उन्नति होती गई और समय के साथ वो बदलते गए, तो ये स्वाभाविक ही है कि आज भी कश्मीर की पहचान हिमालय की इन प्राचीन पहाड़ियों से ही जुड़ी है।